बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स को डिस्कस करने जा रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर थर्ड, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, इसको पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, इसको आज पढ़ना है। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स कॉमन टू 750 और 910 के दरमियान में कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो दोनों के दरमियान कॉमन है, वो आपने राइट करना है। उसका प्रोसीजर क्या है, 750 सबसे पहले हम इसको अलग फैक्टराइज करेंगे, 910 को अलग फैक्टराइज करेंगे। तो 750 है, इसको पहले सबसे छोटे नंबर पर आप ले चले। 2 है, 2 3 जार 6, यहाँ से वहाँ इधर चले जाएगा, फिर 2 7 जार 14, फिर आपने जो 14 बन गया वहाँ इधर चला जाएगा, 10 बन जाएगा, 2 5 जार 10। इसी तरीके से 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 एंड 1 इधर चला जाएगा तो 3 5 जार 15। अब ये 125 है तो ये 5 पर आप इसको इसका टेबल पढ़ेंगे, 5 2 जार 10 एंड 5 5 जार 25। फिर उसके बाद ये 25 है, ये फिर 5 पर जाएगा, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। जब तक आपके पास यहाँ पर 1 ना आ जाए आप इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करते रहे। नेक्स्ट चलिए 9 10, आप देख लेंगे ये इसके एंड पर एक इवन नंबर है, इसलिए इवन नंबर पर ही डिवाइड होता जाएगा। 2 है, 2 4 जार 8, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 जार 10, फिर 1 इधर चला जाएगा, 2 5 जार 10। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ऑड नंबर आ गया, तो ये डिवीजन जो है एक ऑड नंबर पर ही होगी, फैक्टर्स इसके कोई ऑड नंबर में बनेंगे तो 5 5 9 जार 45, 5 1 जार 5। उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे किसी और नंबर पर, 7 7 1 जार 7, बाकी इधर चला जाएगा, 7 3 जार 21, यानी 2 इधर चला जाएगा, 7 3 जार 21। नेक्स्ट है 13 13, खुद एक प्राइम नंबर है तो 13 अपने आप के अलावा किसी टेबल पर डिवाइड नहीं होता, 13 1 जार 13। तो ये जो लिस्ट है 2 3 5 5 5, ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं एंड 9 10 के फैक्टर्स आएंगे, 9 5 7 एंड 13। अब आपने यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख देने, 750 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 9 10 के फैक्टर्स ये आ गए, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13। आपने ये देखना है कि इन दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। तो आप देखें जरा यहाँ पर 2 ये 5 आ रहा है और 2 भी आ रहा है इसके अंदर, तो ये 5 और 2 जो है ये इसके अंदर क्या हो गए, कॉमन फैक्टर्स हो गए। कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 750 एंड 910 आर 5 एंड 2। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप देखते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। आपके पास एक नंबर होगा, आपने बताना है कि कौन से दो प्राइम नंबर्स का ये जो है वो प्लस करें, कौन से दो प्राइम नंबर्स को प्लस करें तो फिर आपके पास ये नंबर बनेंगे। तो प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता दूं, ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पर और 1 इनके अलावा किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो नेक्स्ट है सबसे पहले 120 है, तो आप जब इसको देखें कि ये कौन से नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है तो 120 इक्वल्स टू 2। ओके जी, तो 120 के बारे में हम देख रहे थे कि इन दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है, यानी इन दो प्राइम नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो फिर 120 बनेगा। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं कि जो अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। तो 120 है, 59 प्लस 61 इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 120 बनेगा। 59 भी एक प्राइम नंबर है, 61 भी एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 84 84 किन दो नंबर्स का